अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को यहाँ पे सामने कुछ चीज़ें दिख रही हैं, आज हम इसी से रिलेटेड बात करने लगे हैं। आप लोगों के मुझे व्हाट्सएप पर और वीडियो में आप लोगों ने कमेंट्स करके जो है मुझे कहा है कि डिटेल गाइड दें, और अक्सर मुझे व्हाट्सएप में लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं छोटी छोटी बारीक चीज़ें और इस तरह के ना। तो आज हम फ्लाइज को सारा डिस्कस करेंगे और उसकी मैं आपको जितनी भी डिटेल दे सकता हूँ मैं आपको वो दूंगा। मैं यही सोच रहा हूँ कि बिगनर गाइड पर एक काम वीडियो ट्यूटोरियल की सूरत में जो है मैं आप लोगों को मुख्तलिफ स्टेजेस पर कॉम्प्रिहेंसिव ट्यूटोरियल दूँ। तो सबसे पहले ये जो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं आज की वीडियो में यही हैं जो हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो है मैं आपको बता दूँ, फिर उसके बाद हम स्टेप बाई स्टेप जो है ये वीडियो कम्प्लीट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहे हैं हमारे लार्वाज, ये जो प्यूपा स्टेज लार्वाज हैं इनको हम साइड पे कर देते हैं। फिर आपको यहाँ पे ब्लैक बॉक्स नज़र आ रहा है, ब्लैक बॉक्स के अभी हम बाद में आते हैं, इस पर भी मैं आपको बताता हूँ कि हम और क्या क्या कर सकते हैं। तो ब्लैक बॉक्स अभी हम साइड पे कर देते हैं। यहाँ पे आप लोगों को और कुछ बेसिक चीज़ें नज़र आ रही होंगी, जैसे कि ये हमारी एगीज हो गई, हमारे एगीज को बनाने के लिए, ये भी मैं एगीज को बनाने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। फिर ये वाटर सोर्स के लिए, आपको वहाँ पे कॉटन भी नज़र आ रही होगी वाटर के लिए ही, और वो अट्रैक्टेंट का कुछ सामान है, ये वाटर सोर्स है, इसमें ये कॉटन और ये सब वाटर सोर्स के लिए इस्तेमाल होगा। और ये जो है ये हमारा अट्रैक्टेंट का सामान है, ये जो सारा है ये हमारा अट्रैक्टेंट का सामान है, ये वाटर सोर्स है। तो हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। हम लोग जो सबसे पहले डिस्कस करने लगे हैं वो ब्लैक बॉक्स और प्यूपा स्टेज है। उससे भी पहले मैं आप लोगों को फ्लाइज की कुछ बेसिक्स बता दूं। सबसे पहली बात तो ये कि फ्लाई का जो है लाइफ स्पैन 7 to 8 days होता है, और जो मेल फ्लाई है वो अराउंड 2 days जल्दी इमर्ज होता है फीमेल फ्लाई के निस्बत। तो अगर आप लोगों को 2 से 3 दिन के अंदर आपके नेट के अंदर आपको आपको एग्स ना आपके मिले हैं एग्स के अंदर, तो वो आपने उसकी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि जो है मेल फ्लाइज मैंने अभी आपको बताया है 2 दिन पहले मर्ज हो जाते हैं। तो क्वांटिटी आपके नेट में ज़्यादा हो भी जाए तो आप थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा, 5 to 6 days कम अज़ कम भी वेट कीजिएगा। तो अब हम शुरू करते हैं यहाँ पर ब्लैक बॉक्स को और ये इसको हमारे जो है लार्वीज। तो आपने लार्वीज ये कब कलेक्ट करने हैं, ये सबसे पहली बात तो ये है कि इनका एक टाइम होता है, वो ये टाइम है कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जब इनका जो कलर है ब्लैक हो जाए, प्योर ब्लैक हो जाए, वो स्टेज है उसको हम कहते हैं प्यूपा, प्यूपा स्टेज। उसमें ये देखें, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पे जैसे ये है, ये देखें इसका कलर ये ब्लैक हो गया है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये इस तरह ब्लैक अगर कलर हो जाए तो उसे हम प्यूपा स्टेज कहते हैं। वो एक टाइम आ गया आ जाता है जिसमें अब आप इनको अलग कर लें अपने जिस भी आपने कंटेनर में रखा हुआ है वहाँ से अलग कर लें, और इनको ब्लैक बॉक्स में रखने का टाइम आ गया। अब हम ब्लैक बॉक्स क्यों कहते हैं, वो हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि पीपल्स को डार्क इन्वायरमेंट पसंद होता है और उनको रोशनी नहीं चाहिए होती, तो इसीलिए हम उनको ब्लैक बॉक्स में डालते हैं, और हम इसे ब्लैक बॉक्स कहते हैं जहाँ पे उनको रोशनी कम से कम मिले और वो वहाँ पे रिलैक्स कर। अच्छा, कुछ लोगों को ये भी कन्फ्यूजन रहती है कि हम पता तो हमें चल गया है कि हमारे जो हैं पीपल्स बन गए हैं, लेकिन हम उनको अपने कंटेनर से अलग किस तरह करें, क्योंकि उसमें सारे प्यूपास तो नहीं होंगे, कुछ जो हैं छोटी एज के भी होंगे। तो अक्सर हर बंदा डिफरेंट मेथड यूज़ करता है, मैं भी डिफरेंट, मैं अपना मेथड ये करता हूँ कि मैं उनको कोशिश ये करता हूँ कि कम से कम पानी वाली फीड दूँ ताकि वो ड्राई ही रहे, उनका जो भी है जिसमें वो मैं उनको पाल रहा हूँ वो जगह ड्राई रहे, तो मैं इसीलिए उनको छान के अलग कर लेता हूँ। कुछ लोग ये करते हैं कि ऐसे यूँ 45 डिग्री का एंगल बना देते हैं और फिर जो है प्यूपास जो हैं वो खुद ही क्रॉल करके बाहर चले जाते हैं, क्योंकि उनको जो है क्राउडेड एरिया पसंद नहीं होता। और कुछ लोग उनके ऊपर पानी का स्प्रे करके भी उनको बाहर निकालते हैं, क्योंकि पानी के स्प्रे से प्यूपास जो हैं वो डरते हैं और उनको पानी पसंद नहीं है तो वो फिर बाहर आ जाते हैं। ये 3 मेथड्स हैं, आप अपना भी मेथड यूज़ कर लें, इसमें तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद हम अभी इनको ये देखें, मैंने अपना ब्लैक बॉक्स बनाया हुआ है। अब ब्लैक बॉक्स में भी कोई लिमिटेशन नहीं है, ब्लैक बॉक्स आप अपनी मर्ज़ी का यूज़ करें, जो आप चाहते हैं। अब अक्सर लोग तो शू बॉक्स यूज़ कर रहे होते हैं जो जिनकी छोटी अमाउंट होती है लार्वीज की, कुछ लोग अच्छा ब्लैक बॉक्स बनाते हैं कपड़े का बनाते हैं, वो जैसी आपकी मर्ज़ी है आप इस्तेमाल करें। मैं इस तरह का ब्लैक बॉक्स इस्तेमाल करता हूँ जो मुझे ये सूट करता है। अब इसमें मैंने ये होल्स इसलिए किए हुए हैं ताकि जो फ्लाइज बनती हैं वो इधर होल से बाहर आ जाएँ। तो अभी हम सबसे पहले इनको डाल लेते हैं इसमें, ये देखें। अच्छा, इसमें कुछ आपको मिट्टी मिट्टी नज़र आ रही होगी, असल में वो कोको कॉयर है, वो मैंने इसीलिए रखी है ताकि ये जो लार्वाज हैं अपने आपको उसमें हाइड कर लेते हैं और वो छुपा लेते हैं, वो कोको कॉयर है। और आप उसमें तूड़ी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्के फुल्के ऊपर डाल दें जिससे वो ना उसके अंदर छुप जाएँ, वो एक अच्छा उनके लिए इन्वायरमेंट बन जाता है। ये मैंने इनको थोड़ा सा फैला दिया और इसको इस तरह हम ढक देते हैं। ये मैं भी आपको बाद में नेट पर भी रख के दिखाता हूँ, अपनी फ्लाइज भी दिखाता हूँ अंदर जो है। तो ये हमारा ब्लैक बॉक्स का सेटअप हो गया है, ये अब आपका पहला जो है स्टेप हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेज है उसके तीन उसमें 3 चीज़ें हमें करनी हैं, तो उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहला पार्ट जो है हमारा एगीज है। अब एगीज जो है मैं लकड़ियाँ यूज़ कर रहा हूँ, कुछ लोग जो हैं कार्डबोर्ड भी यूज़ करते हैं, वो हर किसी की अपनी चॉइस होती है, जैसा आपको बेहतर लगे।
लेकिन कार्डबोर्ड के काफ़ी मसले भी हैं उसमें, एग कलेक्शन का काफ़ी इशू होता है। अब इसमें भी कोई लिमिटेशन नहीं है, जैसी आपकी मर्ज़ी आप एग्ज़ यूज़ करें, लेकिन कोशिश ये करें अगर आप लकड़ी यूज़ कर रहे हैं तो उसकी जो है ये विड्थ जो है मोटाई वो थोड़ी कम हो, ताकि फ्लाई को जो है एग्ज़ ले करने में आसानी हो। बाकी मैं इसको आपको बनाने का अपना तरीका बताता हूँ, मैं इसमें कितना गैप रखता हूँ और किस तरह मैं इनको बनाता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ ये कुछ थंब पिंस, और ये मैं साथ यूज़ करता हूँ रबर बैंड्स। तो मैं आपको एगी बना के दिखाता हूँ यहाँ पे मैं कैसे बनाता हूँ। सबसे पहले ये देखें ये, और ये थंब पिन मैं इसीलिए यूज़ करता हूँ यहाँ पे, इससे मुझे एक अच्छा गैप मिल जाता है इनके दरमियान, दो जैसे लकड़ियों के दरमियान एक अच्छा गैप बन जाता है, जिसमें वो फ्लाइज के लिए एक अच्छी जगह होती है एग्ज़ ले करने के लिए। मैं यूँ इस तरह करके इसमें ऐसे इसको फिट करता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको गैप ऐसे रहने देता हूँ ताकि ये जो है ये देखें आप ऐसे बन जाए। अब ये जैसे ही आप ये देख लें ये गैप है, ये बहुत अच्छा गैप है, ये फ्लाई के लिए काफ़ी बेहतर होता है एग्ज़ ले करने के लिए। अब रबर बैंड का इस्तेमाल यहाँ पे यूँ आता है, अब अक्सर लोग इसको टेप से बांध देते हैं, कुछ लोग इसको जो है वो क्लिप्स आते हैं उनसे कर देते हैं, जैसा आपको सूट करे। रबर बैंड जो है मुझे ईजी लगता है, इससे बेहतर है। अभी मैं बस आपको ये दो का करके दिखा रहा हूँ ऐसे, आप यूँ और ये देखें ये, और दूसरी साइड पर। इसमें भी कोई आपकी लिमिटेशन नहीं है, यहाँ पर आप जैसा मर्जी चाहें आप कर दें, और थोड़ा सा ऐसे ये देखें ये हमारा एक परफेक्ट एग ही तैयार हो गया। इस तरह आप चार का स्टैक ऐसे ऐसे करके चार का स्टैक बना लें, वो एक आपकी अच्छी एग तैयार हो जाएंगी। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारा अट्रैक्टेंट। अब हम अट्रैक्टेंट प्रिपेयर इसीलिए करते हैं, अभी हमने पिछले पार्ट में एग्ज़ अभी मैंने आपको दिखाई है बनाना, तो अब इसमें यहाँ पे अट्रैक्टेंट मैं इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो एग्ज़ हैं उस पे फ्लाइज ऐसे ही एग्स नहीं दे देंगी, वो फ्लाइज जो हैं वो अपने एग्स के लिए एक सूटेबल प्लेस ढूंढती हैं, जिधर अगर उनके जो हैं लार्वीज हैच हों तो उनको एक अच्छी जगह मिले और वहाँ पे उनके लिए फूड हो। तो इसीलिए आपको अट्रैक्टेंट बनाना ज़रूरी है, और अट्रैक्टेंट की बू जो है स्मेल जो है वो काफ़ी तेज़ होनी चाहिए जो कि फ्लाई को अट्रैक्ट करे। तो कोशिश आप ये करें कि घर का कोई भी पुराना जो भी रॉटन आपका फूड पड़ा है जिसकी गंदी बू है तेज़ बू है वो आप इस्तेमाल करें, वो फ्लाई को बहुत अट्रैक्ट करेगा। ये जैसे मैंने एग्स बना लिए, मैं इसमें अट्रैक्टेंट रखूँगा और उसके ऊपर मैं ये इस्तेमाल करूँगा। अच्छा यहाँ पर देखें मैंने घर के कोई पुराना रॉटन एप्पल इस्तेमाल कर रहा हूँ, रॉटन एप्पल इस्तेमाल करूँगा, ये मैं पीच इस्तेमाल करूँगा, इसको पीच को हम इस्तेमाल करेंगे, और कुछ हमारे बनाना। अब आप समझ लें कि आपका एक अच्छा अट्रैक्टेंट तैयार हो गया। अगर आपके पास और भी कोई चीज़ें हैं जो तेज़ बू वाली हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई खाना अगर पड़ा है पुराना, ये बाकी हम चीज़ें साइड पे कर लेते हैं। अब एक यहाँ पे भी मेन प्रॉब्लम आती है कि लोग अट्रैक्टेंट को कवर नहीं करते, उसके ऊपर एग्ज़ ऐसे ही रख देते हैं, तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। उसमें होता यह है कि फ्लाई जो है एग्ज़ में एग्ज़ नहीं देती और फ्लाई अट्रैक्टेंट में एग्ज़ दे देती है, क्योंकि यहाँ से बू आ रही होती है वो यहाँ पे जाके एग्ज़ देती है, ये काफ़ी बड़ा इशू है। तो आपको कवर करना है इसको, एक जो होल्स वाली शीट या कोई भी चीज़ है उसे आपने कवर करना है, उसमें से बू बाहर आए और उसके ऊपर आपने एग्ज़ रखना है। वो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ, मैं एक जो है शीट इस्तेमाल करता हूँ उससे मैं इसको कवर करता हूँ, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मैं ये इस्तेमाल करता हूँ, ये देखें इसमें जो है काफ़ी अच्छे होल्स हैं, इसमें से बू भी पास होती है और अच्छे मेरे एग्स की क्वांटिटी मुझे मिली है। अब ये मैं ऐसे ही नहीं इसके ऊपर रख दूंगा, मैं अपने रबर बैंड से इस्तेमाल करूंगा इसको कवर करने के लिए। ये देखें ये शीट का थोड़ा सा साइज़ मेरे से छोटा कट गया है, वो इसीलिए सही से कवर नहीं हुआ, लेकिन अभी आप देख लें इसको, मैं अभी बड़ा साइज़ काट के तो मैं कर देता हूँ ऐसे, इसको मैं ना रबर बैंड से इसके करता हूँ और फिर उसके ऊपर मैं अपनी एग्ज़ रखता हूँ ताकि फ्लाई एग्ज़ के अंदर एग्ज़ दे। तो ये हमारा एक अगला पार्ट हो गया। अब जो लास्ट पार्ट रह गया वो हमारा रह गया वाटर सोर्स। वाटर सोर्स ये है हमारा वाटर सोर्स, और हम ये उसके लिए यूज़ करेंगे कुछ कॉटन। अभी मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, तो ये कॉटन और साथ में ये मैं एक प्लेट टाइप इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब इसमें हम सबसे पहले तो कॉटन को अच्छे से रख लेते हैं, कॉटन को बस आप फैला दें ऐसे, ऐसे करके कॉटन जो है थोड़ी सी फैल जाए। उसके बाद आप आपने क्या करना है, इसके ऊपर पानी आपने लगा देना है थोड़ा सा, ताकि ये जो है गीला गीला हो जाए। मैं अभी आपको दिखाता हूँ अब आपने क्या करना है, ये हम पानी इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि ये गीला हो अच्छा सा, और इसमें ज़्यादा पानी मैं इस्तेमाल करूँगा, इतना भी नहीं करना कि फ्लाई उसमें डूब जाए, लेकिन इतना मैं करूँगा। ये देखें अगर मैं हल्का हल्का इसको प्रेस करता हूँ तो मेरे ये उंगलियों पर ऐसे हल्का हल्का पानी आ रहा है, ये बहुत है जिसे फ्लाई बैठ के तक पानी पी ले और वो डूबे ना। अगर आपको चाहते हैं कि उसके ऊपर कपड़ा लगा दें तो कपड़ा भी लगा दें, उसके ऊपर भी पानी आता रहेगा, लेकिन वो मैंने ट्राई किया उस पर फ्लाई इतना बैठती नहीं है, तो ये मुझे ज़्यादा सूट किया। बाकी आप देख लें जैसे आपको बेहतर लगता है। अब इससे अगली जो स्टेज है वो है नेट के ऊपर, वो अब ये आप थर्ड स्टेज इसे कह लें। अब नेट जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप लोग समझ लें हमारी एक फाइनल स्टेज है जो नेट के ऊपर है। मेरा नेट जो है मैंने आप लोगों को पिछले वीडियोज़ में भी ये दिखाया है कि
मैंने इसको बांस के डंडों से बनाया है और मैंने इस पर थोड़ा सा टाइम भी लगा दिया था इसको बनाने में, लेकिन मैंने अपने हिसाब से जो इसको बना लिया। अब यही एक समझ लें नेट नहीं है, इसके अलावा भी आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर लोग जो है मॉस्किटो नेट इस्तेमाल करते हैं, जो कि छोटे लेवल पर अगर करते हैं जिस तरह भी, और मॉस्किटो नेट भी बहुत अच्छा इसके लिए रहता है। तो मुझे इस तरह सूट किया, मैंने इस तरह बना लिया, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं, आप जैसा मर्जी नेट बनाएं। और उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है, आपने नेट बना लिया, उसके अंदर ब्लैक बॉक्स रख दिया हमने, उसके अंदर हमारा वाटर सोर्स भी पड़ा है, सब कुछ उसमें पड़ा है। आखिरी चीज़ ये आती है उसमें लाइट की, वो अंदर मैंने वहाँ पे देखे, वहाँ पे लाइट लगाई हुई है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसमें मैं आपको एक डिटेल देता हूँ मैं ये आपको जी। तो अब हम स्टार्ट करने लगे हैं वीडियो नेट के अंदर, कि मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने किस तरह लाइट सोर्स बनाया हुआ है और किस तरह मैंने अपने ब्लैक बॉक्स रखे हुए हैं। अच्छा, ये मेरे जो है ब्लैक बॉक्सेज हैं, यहाँ पे देखे मैंने इसी तरह अंदर रखे हुए, अभी मुझे लास्ट में आपको दिखाया बना के, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये मेरे एगीज पड़े हैं, नीचे मेरा ट्रैक्टर पड़ा है उसके ऊपर, उसी तरह मैंने बना के अपने एगीज रखे हुए हैं, और उसके ऊपर देखें फ्लाइज बैठी हैं, और बाकी आप लोग यहाँ पे फ्लाइज देखें, ये मेरी सारी फ्लाइज बैठी हैं, ये देखें ये मेरा लाइट सोर्स है। अब लाइट सोर्स एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि ब्लैक बॉक्स में अगर आपका अंधेरा है और बाहर भी आपका अंधेरा है, तो फ्लाई कभी भी निकल के बाहर नहीं आएगी जब तक वहाँ पे कोई लाइट ना हो, और फ्लाई जो है लाइट से अट्रैक्ट होती है, तो उसके लिए लाइट एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो आप समझ लें अगर आपकी लाइट नहीं है तो आपको एग्ज़ नहीं मिलेंगे, ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। बाकी आप यहाँ पे क्वांटिटी देखें, ये भी 3-4 डेज हो गए हैं मेरे ब्लैक बॉक्स से फ्लाइज निकलना शुरू नहीं है, और ये मेरी एक लाइट हाउस लगी हुई जिसके देखें किस तरह फ्लाइज बैठी हुई हैं काफ़ी ज़्यादा, और ये मेरे अट्रैक्टेंट की देखें, अट्रैक्टेंट मैंने रखा हुआ उसके ऊपर किस तरह फ्लाइज बैठी हुई हैं। यहाँ पर मैं पानी भी इधर लेफ्ट पर रखता हूँ, अभी वो वीडियो के लिए मैंने भी आपको दिखाने के लिए बाहर निकाल दिया। अच्छा, आप लोगों को मैंने फ्लाइज के बारे में कुछ ना बेसिक टिप्स भी देनी है, वो यहाँ पे मैं अब आपको बेसिक टिप्स, अब एंड ही हो गया तकरीबन वीडियो का, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ बेसिक टिप्स दे देता हूँ। और सबसे पहली बेसिक टिप ये है कि लोग जो हैं कहते हैं कि हमारी फ्लाइज जो हैं जल्दी मर रही हैं, या फिर निकल नहीं रही, या फिर उड़ नहीं सही से पा रही, इस तरह के काफ़ी इशूज़ होते हैं। ये गर्मी के वेदर में हो रहा होता है इस तरह का अक्सर काफ़ी इशू, तो अक्सर लोग कह रहे होते हैं कि इशू क्यों आ रहा है, वो इशू ये है कि आपकी जो है फ्लाइज गर्मी की वजह से ये इशू क्रिएट हो रहा है, और फ्लाइज जो है अराउंड 35 डिग्रीज 36 डिग्रीज के अंदर तो रह सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा टेम्परेचर अगर एक्सीड हो जाए तो वो फ्लाइज के लिए काफ़ी इशू क्रिएट कर देते हैं। तो उसके लिए आपको दिन में तकरीबन 5 से 6 दफ़ा गर्मी के टाइम आप आएँ और आप अपने नेट के विद फ्लाइज को स्प्रे करें, ताकि वो जो है अंदर का टेम्परेचर मेंटेन रहे और टेम्परेचर थोड़ा ड्रॉप करें। मैंने स्प्रे करने के लिए देखें ये लिया हुआ है, और ये काफ़ी अच्छे से स्प्रे कर देता है, इसीलिए ये मैंने रखा हुआ है। होता ये है कि लोग इसको बना के रख देते हैं, लेकिन उसमें भी काफ़ी इश्यूज आ जाते हैं जी। अब जैसे हमने ये रख तो दिया है अंदर पानी, लेकिन अब होता ये है कि इस पर फ्लाइज जो है जैसे आके इतनी फ्लाइज नहीं बैठती, समझ लें अगर आपकी 2-3 हज़ार फ्लाइज हैं तो उसमें 100-200 इधर से पानी पी लेंगी, सारी पानी नहीं पीती। तो उसके लिए भी आपको क्या करना है, आपको डेली आके स्प्रे करना है, ताकि फ्लाई जो है नेट में भी बैठी हैं उनको पानी पूरा मिले, और सिर्फ 7 डेज जो है अपने पानी पे ही जीती हैं, वो खाना शाना नहीं खाती, उनका मुंह नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ वो पानी पी के देखें फ्लाई किस तरह पानी पी रही है, और सिर्फ उसका जो है ये 7 डेज का लाइफ स्पैन होता है, पानी पी सकता है। कोशिश आप ये करें कि फ्लाई में डिहाइड्रेशन ना हो और वो पानी की कमी की वजह से ना मरे आपका, नहीं तो मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाएगा। आप कोशिश करें तो 5 से 6 दफ़ा दिन में स्प्रे करें, ताकि वो पानी जो है अपना पूरा पिए। तो इसी के साथ साथ अब आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी डिटेल्स आपको मिल गई होंगी, तो मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज़।